आज से हम यहाँ पर स्टडी करेंगे और उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आपका आरओ का एग्ज़ाम हो, पीसीएस का एग्ज़ाम हो या यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत कोई एग्ज़ाम अगर आपको लिए जाते हैं, तो स्टेट स्पेशल को लेकर आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में। ये प्रश्न कई तरीके के हो सकते हैं, जिसमें आपका चाहे उत्तर प्रदेश से संबंधित उनके इतिहास के बारे में हो, भौगोलिक जानकारी के बारे में हो, तथ्यात्मक चीज़ें हों, अर्थव्यवस्थागत स्थितियाँ हों या इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हों, सरकार के द्वारा ली गई कोई पॉलिसीज़ या निर्णय या डिसीजंस हैं, तो इस तरीके के कई प्रकार के क्वेश्चन आपको बनते हैं। करंट अफेयर्स के अंतर्गत कुछ नई चीज़ों के डेवलपमेंट को लेकर भी यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको यूपी स्पेशल से रिलेटेड या कह सकते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम को यदि आपको देना है, तो यूपी के बारे में आपके पास एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे तथ्यात्मक तौर पर इसकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, साथ साथ विषयगत आधार पर भी आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम उत्तर प्रदेश स्टेट स्पेशल की ये क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश से संबंधित इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, और ये इतिहास वैसा ही है जैसे आप भारत के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। एक काल क्रमानुसार घटनाक्रमों का हम अध्ययन करते हैं इतिहास के माध्यम से, वैसी ही जानकारी हम उत्तर प्रदेश से लेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? जब हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो ये काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं, है ना, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं और ऑल इंडिया में जो भी घटित घटनाएं हुई होती हैं सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जब हम यूपी के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, तो यहाँ पर एक, जब भी आप कोई जानकारी कभी स्टडी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ ज़रूरी है कि आप पढ़ने क्या जा रहे हैं और किस चीज़ के लिए पढ़ने जा रहे हैं। हम यहाँ पर इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इतिहास के साथ साथ एक भौगोलिक अवरुद्धता है इतिहास के बारे में। क्या बताता है उत्तर प्रदेश का इतिहास? कहने का मतलब, आप जो भी इतिहास पढ़ने जा रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ यूपी स्टेट विशेष जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, जो भी चीजें डेवलप हुई हैं, जो भी चीजें पाई गई हैं, जो भी घटनाक्रम हुए हैं, हमें सिर्फ उनके बारे में यहां पर अध्ययन करना है। इसलिए यहां पर काफी सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको पता होंगी लेकिन यहां पढ़ नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि वो यूपी के अंतर्गत नहीं आती हैं, इंडिया के अंतर्गत आती हैं, लेकिन हम यहाँ पे भारत के इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास के सभी काल क्रमान जो घटनाक्रम हुए हैं उत्तर प्रदेश में, हम उनका एक एक करके अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन क्रम में इतिहास में हम प्राचीन भारत से स्टार्ट करेंगे। प्राचीन भारत के बाद हम मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत के बाद हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ यूपी स्पेशल को लेकर, है ना। और उसके बाद आर्ट एंड कल्चर से संबंधित जो भी घटनाक्रम होंगे यूपी स्पेशल से, वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहला जो विषय है उत्तर प्रदेश स्टेट स्पेशल के अंतर्गत, हम यूपी के बारे में पढ़ेंगे और एक एक करके यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं या पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, उन सभी चीज़ों को हम इसमें समाहित करते हुए इनका अध्ययन करेंगे। आप सभी को बस यहाँ पे ध्यान से सुनना है, पढ़ना है, रिविजन करना है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर उत्तर प्रदेश का इतिहास के बारे में। देखिए, जब उत्तर प्रदेश का हम इतिहास पढ़ते हैं तो यहाँ पर इतिहास को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कितने भागों में? तीन भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक घटनाक्रम, ठीक है, तीन भाग हैं आपके। तो हम प्रागैतिहासिक काल को सबसे पहले पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल को जब आप पढ़ते हैं तो जिसका मतलब होता है, प्रागैतिहासिक का मतलब पाषाण होता है, पत्थरों से संबंधित यहाँ पे जानकारी। जब भी यहाँ पे आवासीय व्यवस्था या इस तरीके के डेवलपमेंट नहीं थे, जब सिर्फ पाषाणों की एक बड़े बड़े पत्थर शिलाओं इत्यादि के आधार पे हम वहाँ पे अध्ययन करते हैं, तो वहाँ पे एक पाषाणकालीन जो इतिहास रहा है उसको भी हम तीन भागों में डिवाइड कर देते हैं, पढ़ने के क्रम को आसान करने के लिए। ये तीन जो कालक्रम है, एक है आपका पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। अब यहाँ पे जानना ये जरूरी है कि जब आप पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल पढ़ते हैं, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश से संबंधित क्या विशेष जानकारी है जो कि आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से पता होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए, पुरापाषाण कालीन क्या स्थल रहे हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जो यूपी में पाई गई हैं उसके बारे में। पुरापाषाण काल के बारे में देखें तो सबसे पहले इसके प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, पुरापाषाणकालीन स्थल या प्रामाणिक स्थितियां आपको कहाँ से मिलती हैं? तो प्रयागराज का बेलन घाटी, सोनभद्र का सिंगरौली घाटी और चंदौली का चकिया क्षेत्र, यहाँ पर आपको पुरापाषाणकालीन ये स्थल हैं और यहाँ से आपको साक्ष्य भी पाए जाते हैं। इस स्थल की यहाँ पे जो खोज हुई थी रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा,
जो कि देखा जाए भारतीय प्रागैतिहासिक काल के पिता भी इन्हें कहा जाता है, नाम ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट ब्रूस फूट। इसके अलावा ये भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण के कह सकते हैं कि आपके अध्यक्ष भी रहे हैं, और इनके देखा जाए तो ये यूपी में इनका काम नहीं था, बेसिकली इन्हों के जो खोज प्रारंभ किए, सबसे पहले जो पुरापाषाणकालीन स्थलों की खोज प्रारंभ सर्वेक्षण किए तो इन्होंने तमिलनाडु में खोज किए, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसके बारे में जानकारी डेवलप हुई, चीज़ें खोज की जाने लगी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, और यूपी के क्षेत्रों में भी ऐसा ही हुआ। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने जो सबसे पहली जो खोज की थी वो तमिलनाडु पल्लवरम में की थी, जहाँ पर आपको पत्थर के औजार और कुल्हाड़ी प्राप्त हुए थे। ये तो इंडियन लेवल पे हो गया, कहाँ से हमने यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल की स्थितियों के बारे में जानकारी डेवलप होना शुरू होती है। लेकिन एक जानकारी ये है कि यूपी के लेकर क्या विशेष है, यूपी के बारे में क्या पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, इलाहाबाद के बेलन घाटी की जो खुदाई हुई वो इलाहाबाद के विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर जी आर शर्मा, नाम ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर जी आर शर्मा के निर्देशन में यहाँ पर आपको प्रयागराज के बेलन घाटी के क्षेत्र का यहाँ पे सर्वेक्षण और खोज और जो थी खुदाई इत्यादि उत्खनन हुआ, और उसका यहाँ पे जब खुदाई का काम हुआ तो उसके बाद यहाँ पर काफी सारी चीजें मिली, जैसे कि बेलन घाटी के जो लोहदा नाला वाला क्षेत्र है यहाँ पर आपको कुल्हाड़ी, हसिया, गणासा काटने और छीलने के औजार प्राप्त हुए। ध्यान रखिएगा, कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बेलन घाटी के लोहदा नाला क्षेत्र से कुल्हाड़ी, हसिया, गणासा काटने और छीलने के औजार मिले हैं। इसी तरह एक तथ्य और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पशुओं के आपके अवशेष प्राप्त हुए, किसके पशुओं के अवशेष प्राप्त हुए, जिससे एक तथ्य ये स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं पशुपालन की जो स्थितियां थी वो डेवलप थी, पशुओं के पालने की स्थितियां वहां पे डेवलप थी। इसके अलावा जो लोहदा नाला का क्षेत्र है यहाँ पे पाषाण औजार जो होते थे अस्थि के बने हैं, और साथ ही यहाँ पर मातृ देवी की मूर्ति एवं क्वार्ट्जाइट के पत्थर मिले हैं। तीन और चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, क्या क्या, पहला कि पाषाण औजार हैं अस्थियों के हैं, मातृ देवी की मूर्ति, क्वार्ट्जाइट के पत्थर, ये सब के सब यूपी से मिले हैं, लोहदा नाला क्षेत्र से मिले हैं और पुरापाषाणकालीन स्थल के रूप में। जब पुरापाषाण काल समाप्त होता है मध्य पाषाण काल की स्थितियों में आते हैं, और मध्य पाषाण काल की स्थितियों में जो प्रमुख फैक्ट आपको देखने को मिलता है, पहली चीज की प्रामाणिक जो क्षेत्र है अर्थात कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे मध्य पाषाणकालीन चीजें डेवलप हुई यूपी में, तो इसमें है मिर्जापुर, सोनभद्र जिले के मोरहाना पहाड़ और लेखरिया व बगरी खोर। कौन कौन से तो जिले ध्यान रखिएगा, मिर्जापुर, सोनभद्र, पर्टिकुलर कोई क्षेत्र पूछता है तो उस क्षेत्र का नाम है मोरहाना पहाड़, लेखरिया और बगरी खोर में यहां पर आपके मध्य पाषाणकालीन ये स्थल है। देखा जाए तो प्रयागराज के मेजा, करछना, फूलपुर, कोराव में भी आपको मध्य पाषाणकालीन स्थल पाए गए हैं। इसी तरह प्रतापगढ़ में सरायनाहर और महदहा से भी आपको मध्य पाषाणकालीन स्थल मिलते हैं। तो जिले देखिए कितने हो गए मध्य पाषाणकालीन स्थल के, आपके हो गए मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज और प्रतापगढ़, और साथ साथ यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र हैं। यहाँ पे देखिए जो सबसे ज्यादा यहाँ से आने वाला एक प्रश्न है जो सरायनाहर को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पे कुछ तथ्य ध्यान रखिएगा। सबसे पहला, इसे दफनाने की जो प्रथा है, जो यहाँ पे शवों को दफनाया गया है, वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में, अर्थात कि जो सर है वो पश्चिम दिशा में है और जो इनका पैर है वो आपको पूर्व की दिशा में है, और ऐसे 41 सावधान यहाँ पर आपको प्राप्त होते हैं। इसके अलावा मदहा से यहाँ पर देखा जाए सिलोड़े गर्त चूल्हे सावधान आवास के साक्ष, सावधान जो है 41 यहाँ पे सावधान प्राप्त हैं, हड्डियों के आभूषण प्राप्त हुए हैं, साथ ही कृषि, दाह संस्कार और आग पर खाना पकाना और पशुपालन जैसी चीजों के भी यहाँ पे साक्ष्य आपको मिलते हैं। तो मध्य पाषाणकालीन स्थलों में आपको जो प्रश्न यहाँ पे बनते हैं, दो चीजें आती हैं, एक तो स्थल क्या है और दूसरा साक्ष्य क्या पाए, किन किन चीजों की चीजें डेवलपमेंट या फिर उपस्थिति या फिर उनको जानकारी थी, इसका वहाँ पे क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे देखिए, इन्हें कृषि, दाह संस्कार, आग पर खाना पकाना, पशुपालन जैसी चीजें की जानकारी थी, 41 सावधान जो थे पश्चिम से पूर्व की दिशा में हैं, और इसके अलावा सिलोड़े, गर्त चूल्हे और आवास के साक्ष्य भी यहां से आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं। ये सब आपको ध्यान रखना है और साथ ही आपको जिले और क्षेत्र ध्यान रखने हैं। मध्य पाषाणकालीन जब आपकी जानकारी होती जाती है उसके बाद आप प्रवेश करते हैं नव पाषाणकालीन स्थल में,
और नवपाषाण कालीन अगर हम स्थल की बात करें तो यहाँ पे इनकी जो सबसे पहली जो विशेषता है कृषि और पशुपालन का यहाँ पे साथ साथ समावेश और उसकी जानकारी और उसका विकास, और यहाँ पर भी ये देखने को मिलता है कृषि और पशुपालन की स्थितियां, साथ ही खाद्य पदार्थों के उत्पादन और संग्रहण की स्थितियां भी दिखाई देती हैं। साक्ष्य के तौर पर अगर हम देखें तो प्रयागराज हो गया, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़ जो आपके मध्य पाषाणकालीन स्थल थे वही आपके नवपाषाणकालीन भी स्थल हैं। इसके अलावा जो नई चीजें यहां पर आपको देखें जो डिफरेंट रही आपको नवपाषाणकालीन की में पाई गई चीजें मध्य पाषाणकालीन और पुरापाषाण काल से, पहली जो चीज यहां पर डिफरेंट थी जो औजार यहां पर मिले हैं वो औजार पहले से ज्यादा यहाँ पे सूक्ष्म और यहाँ पे कह सकते हैं कि ज्यादा तेज धार के हैं। इसके अलावा कोल्ढीवा और से यहाँ पे आपको मृदभांड प्राप्त हुए हैं, और उन मृदभांडों में अगर देखा जाए तो धान के जले हुए छिलके और दाने भी आपको प्राप्त हुए हैं। इस धान के जले हुए छिलके से और कहीं के दानों से एक चीज ये स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं नवपाषाण काल स्थल में अगर देखा जाए तो धान की खेती हो रही थी, वहां पे खेती करना समझ चुके थे, कृषि में धान की वहां पे उपज ली जा रही थी। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन बनाना, उन पर चित्रकारी करना, पॉलिश करना और जानवरों की खाल से वस्त्र बनाना भी आपको नवपाषाण काल में विकसित हो चुका था। तो ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल जो एक प्रागैतिहासिक काल था वो एक विकसित था अवस्था। जो क्षेत्र यहाँ पर ये प्रमुख रूप से आप प्रागैतिहासिक काल का देखते हैं उसमें प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली के जो जिले हैं, प्रतापगढ़, ये आपको प्रमुख रूप से हैं। जब हम प्रागैतिहासिक काल के बाद अगला आगे आते हैं, इतिहास थोड़ा सा और विकसित होता है, थोड़ा समय बीतता है, तो हम अगले दौर में प्रवेश करते हैं और उसका नाम है यहाँ पे आद्य ऐतिहासिक काल। देखा जाए तो आद्य ऐतिहासिक काल अपने आम्र आप में इसे हम ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मानव ने जो सर्वप्रथम है तांबे का प्रयोग करना यहाँ पे शुरू कर दिया था, और इसके बाद फिर कांसे का प्रयोग, और कांसे के बाद फिर लोहे का प्रयोग यहाँ पे शुरू किया गया। आद्य ऐतिहासिक काल के जो प्रमाण यूपी में आपको मिलते हैं, दो क्षेत्र हैं इसमें से, एक है आपका मेरठ और दूसरा है सहारनपुर। दोनों क्षेत्र नाम ध्यान रखिएगा, मेरठ और सहारनपुर जो है ये आपके आद्य ऐतिहासिक काल की यहाँ पे जानकारी देते हैं। ताम्र कांस्य काल जो होता था, एक तरीके से देखा जाए तो सैंधव सभ्यता, आप जिससे परिचित हैं, सैंधव सभ्यता भी अगर देखा जाए तो यूपी में इसके कुछ प्रमाण आपको दिखाई देते हैं। कहां कहां है तो देखा जाए तो 1300-2350 से 1750 ईसा पूर्व की जो समय स्थिति रही है इस दौरान जो प्रमाण यहां पर यूपी में मिलता है, एक तो आलमगीरपुर का क्षेत्र आपको पता है ना, जो मेरठ में आपको पड़ता है, दूसरा आपका बड़गांव और हुलास, बड़गांव और हुलास जो है ये आपका सहारनपुर में पड़ता है। साथ ही जो नवीनतम साक्ष्य होते हैं, जो नई खोज यहाँ पर अभी आई हुई है, एक दो पिछले अगर हम देखें 2-3 सालों में तो यहाँ पे कुछ नए साक्ष्य डेवलपमेंट हुए हैं जिससे कि यूपी में कुछ और क्षेत्रों का यहाँ पे जानकारी मिली है। इसमें से है भाटपुरा और मानपुरा। भाटपुरा और मानपुरा का जो क्षेत्र है वो बुलंदशहर में देखे खोज हुई है, और मांडीगांव तथा कैराना का जो क्षेत्र है ये मुजफ्फरनगर में यहाँ पे आपको नए क्षेत्रों के रूप में डेवलप हुए हैं जो कि ताम्र कांस्य काल या सैंधव सभ्यता के काल के समय के हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले आपके पास सिर्फ यहाँ पे आलमगीरपुर और बड़गांव हुलास का ही क्षेत्र था, लेकिन अब इसमें कुछ नए क्षेत्र भी जुड़ गए। नए क्षेत्रों का नाम ध्यान रखिएगा, भाटपुरा, मानपुरा जो कि बुलंदशहर में पाए गए हैं, और मांडीगांव, कैराना क्षेत्र जो कि मुजफ्फरनगर में यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा इस स्थल की जो खोज हुई थी 1958 में यज्ञ दत्त शर्मा के द्वारा यहां पर की गई, जो आलमगीरपुर में जो क्षेत्र में पाए गए विशिष्ट चीजें हैं उनमें मिट्टी के बर्तन और कपास की खेती के भी यहां पे आपको प्रमाण मिलते हैं। तो एक क्वेश्चन यहां पे बन सकता है कि यूपी में कपास के प्रमाण आपको कहां से मिलते हैं जो सैंधव सभ्यता के काल में, तो ध्यान रखिएगा आलमगीरपुर में यहां पर आपको कपास की खेती के प्रमाण आपको मिलते हैं। इसके बाद आते हैं हम ऐतिहासिक काल में, और ऐतिहासिक काल में जब आप प्रवेश करते हैं तो सैंधव सभ्यता के जो हम कह सकते हैं समाप्ति के पश्चात वैदिक काल का जन्म होता है, और वैदिक काल को देखा जाए तो हम पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में पढ़ते हैं दो भागों में डिवाइड करके, लेकिन हमें पूरी वैदिक काल नहीं पढ़नी है, लेकिन उस वैदिक काल में यूपी में क्या घटित हुआ ये हमें जानना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो यूपी में जो वैदिक कालीन जो प्रमुख घटनाएं अगर आपको देखने को मिलती हैं तो सबसे पहली जो चीज है यहां पर आपको कि लौह युगीन संस्कृत के प्रमाण वैदिक काल में आपको यूपी में दिखाई देते हैं। लौह युगीन संस्कृत के प्रमाण यूपी में आपको वैदिक काल में दिखाई देते हैं। साथ ही यहां पर अहिछन, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, मथुरा, श्रावस्ती, कांपिल
जो स्थल हैं ये मुख्य रूप से आपको वैदिक कालीन स्थल के तौर पर ये विकसित हुए हैं। एक बार नाम फिर से ध्यान रखिएगा, यूपी में कौन कौन से स्थल हैं जो ऐतिहासिक काल के हैं या वैदिक कालीन हैं। यहाँ पे अहिछन्न है, हस्तिनापुर, अतरंजीखेड़ा, मथुरा, श्रावस्ती, कांपिल। इसके अलावा प्राचीन काल में हम उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश के नाम से नहीं जानते हैं, क्योंकि इसका नाम जो पड़ा है 1950 में हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। जब वैदिक कालीन बात करते हैं उत्तर प्रदेश को, तब उस समय इसे हम ब्रह्मर्षि देश या मध्य देश के नाम से जानते थे। ठीक है, कौन सा? ब्रह्मर्षि देश या मध्य देश के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हस्तिनापुर और अतरंजीखेड़ा की खुदाई से लौह धातु भट्टियां, जिसमें लोहे को गलाकर औजार बनाने के जो प्रमाण है वो भी आपको यहां पर मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अतरंजीखेड़ा में आपको लौह धातु को गला करके औजार बनाने के प्रमाण आपको मिलते हैं। इसके अलावा काले लाल लेप युक्त चित्रित धूसर और लाल मृदभांड के अवशेष आपको पूरे प्रदेश में मिलते हैं। ठीक है, मृदभांड कैसे पाए जाते हैं, यूपी में किस प्रकार के मृदभांडों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, नाम ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लाल और काले हैं, साथ ही यहाँ पर लेप युक्त हैं, चित्रित धूसर हैं और लाल मृदभांडों के आपको पूरे प्रदेश में स्थिति देखी गई है। ऐतिहासिक काल या वैदिक काल की जैसे ही समाप्ति होती है, वैदिक कालीन स्थितियां डेवलप होने के बाद एक नया काल आता है जिसे हम कहते हैं महाजनपदीय काल व्यवस्था। और महाजनपद देखा जाए तो यूपी में आपको देखा जाए 16, टोटल भारत में बात करें तो 16 थे, लेकिन उन 16 में से जो 8 महाजनपद हैं वो यूपी में पाए गए हैं। इन 8 महाजनपदों के बारे में हम यहाँ पे जानकारी लेंगे, क्या विशेष है, क्या क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बन सकता है कि यूपी में कौन कौन से 8 महाजनपद पाए गए, तो हमें तो उनका नाम पता होना चाहिए। दूसरा, जो महाजनपद पाए गए उनका किस प्रकार का क्षेत्र, उनकी राजधानी क्या थी या उनका राजतंत्रात्मक प्रशासन प्रणाली क्या थी और उससे संबंधित अन्य विशेषताएं क्या रही। तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो उत्तर भारत में 16 महाजनपद में 8 आपके यूपी में पाए गए हैं। और इसमें देखा जाए तो जो जानकारी मिलती है कि ये 16 महाजनपद या 8 महाजनपद, ये जानकारी हमें मिलती कहाँ से है, तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से हमें जानकारी प्राप्त होती है 16 महाजनपदों की। इसमें ये भी बताया गया है कि जो देखा जाए जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें से एक साक्ष्य जानकारी दी गई है शतपथ ब्राह्मण में कि पांचाल जो था वो सबसे अधिक विकसित महाजनपद था। कौन सा? पांचाल जो था वो सबसे अधिक विकसित आपका यहाँ पे महाजनपद था और वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माना गया था पांचाल राज्य को या महाजनपद को। इसकी राजधानी क्या थी? कांपिल्य थी। चलिए अब कुछ अन्य चीजों के बारे में, हम 8 महाजनपद को देखते हैं, उनकी राजधानी देखते हैं, उनका विस्तार क्षेत्र देखते हैं और उनका प्रशासन देखते हैं। सबसे पहला महाजनपद है पांचाल महाजनपद। इस ये कैसी शासन प्रणाली थी, यहाँ पे प्रशासन तंत्र कैसा था? तो राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी दो थी, एक अहिछत्र थी बरेली और दूसरा यहाँ पे कांपिल्य जो कि फर्रुखाबाद वर्तमान समय का है। ठीक है, तो अहिछत्र और बरेली सॉरी कांपिल्य, यहाँ पे दो इसकी राजधानियां रही हैं। विस्तार क्षेत्र अगर हम बात करें पांचाल क्षेत्र महाजनपद का, तो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद का जो पूरा रीजन आपको दिखाई देता है वो पूरा का पूरा एक पांचाल क्षेत्र के रूप में था उस समय। दूसरा इसमें कुरु है, राजतंत्र। कुरु जो है एक राजतंत्रात्मक प्रशासन प्रणाली थी। इनकी राजधानी जो थी वो इंद्रप्रस्थ है और इनका जो पूरा एरिया है, विस्तार क्षेत्र था, प्रशासन क्षेत्र था, वो मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर के एरिया को मिलाकर के इनका एक साम्राज्य फैला हुआ था। तीसरा यहाँ पे है वत्स, जो कि एक राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। कौशाम्बी इनकी राजधानी थी और इनका जो विस्तार क्षेत्र था प्रयागराज और कौशाम्बी के आसपास था। सूरसेन भी एक देखा जाए, सूरसेन महाजनपद भी एक राजतंत्रात्मक प्रणाली रही। इसका जो राजधानी अगर देखा जाए तो मथुरा का जो इलाका है, मथुरा जो वर्तमान समय की है उसकी वो राजधानी रही है और मथुरा का एरिया ही आपको सूरसेन का आपको महाजनपद के तौर पे यहाँ पे विकसित या कह सकते हैं उसके विस्तार क्षेत्र उसके प्रशासन के अंतर्गत आता था। पांचवा यहाँ पे महाजनपद है कौशल महाजनपद, जो कि राजतंत्रात्मक प्रणाली रही है और साकेत जो होती है इसकी उत्तरी कह सकते हैं आप, उत्तरी कौशल की जो राजधानी रही वो साकेत रही और दक्षिणी कौशल की जो राजधानी थी वो आपकी श्रावस्ती थी। यहाँ पर अयोध्या और फैजाबाद का जो एरिया है वो इसके प्रशासन के अंतर्गत आता था। मल्ल आपके महाजनपद, छठे महाजनपद यहाँ पे पाया गया।
ये एकमात्र महाजनपद है जो कि एक गणतंत्रात्मक प्रणाली था। नाम ध्यान रखिएगा, यूपी में पाया जाने वाला पूछा जा सकता है कि एकमात्र जो आपका गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली वाला महाजनपद था वो कौन सा था, तो यहाँ पे नाम है आपका मल्ल महाजनपद। यहाँ पे देखा जाए तो कुशीनगर इनकी राजधानी रही है और कुशीनगर देवरिया का एरिया इनके प्रशासन के अंतर्गत आता है। काशी इसके बाद, काशी का महाजनपद जो होता है इसकी प्रशासन तंत्र देखा जाए तो ये भी राजतंत्रात्मक रही और वाराणसी इनकी राजधानी थी, वाराणसी का एरिया इनके प्रशासन क्षेत्र के अंतर्गत आता रहा। अंतिम जो थे आठवें महाजनपद यूपी में पाई गई वो चेदी महाजनपद थी, ये भी राजतंत्रात्मक थी। सुमती जिसे हम वर्तमान में बांदा के नाम से भी जानते हैं, तो बांदा का जो एरिया इसकी राजधानी रही, बांदा का ही एरिया इनके प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो जो चीजें हैं आठ महाजनपद, नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रहे हैं, तो पांचाल, कुरु, वत्स, सूरसेन, कौशल, मल्ल, काशी और चेदी, एकमात्र यहाँ पे आपका गणतंत्रात्मक मल्ल है, बाकी के सभी यहाँ पे राजतंत्रात्मक है। चलिए अब यहाँ पर हमने देखा कि इतिहास के यूपी के बारे में जब आपने पढ़ा तो इसमें प्रागैतिहासिक से लेकर पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, आद्यतिहासिक, ऐतिहासिक, महाजनपद, वैदिक सभ्यताएं, सिंधु सभ्यताएं देख ली। अब इन्हीं से संबंधित कुछ जो फैक्ट अन्य रह गए हैं वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि एक जानकारी यहाँ पे है, प्रयागराज का जो एरिया है मेजा का में एक पाया जाता है क्षेत्र है चोपानी मांडो, ठीक है, मेजा में पाया जाता है चोपानी मांडो का क्षेत्र जो कि एक पुरास्थल है और यहाँ पर झोपड़ियों और मिट्टी के बर्तन आपको प्राप्त हुए हैं, ठीक है, चोपानी मांडो से झोपड़ियों और मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। दूसरा, दमदमा जो प्रतापगढ़ में है ये भी एक पुरास्थल क्षेत्र है जिसमें हड्डी व सींग के उपकरण व आभूषण यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, साथ ही गर्त चूल्हे की भी प्राप्ति यहाँ पर हुई है। तो ये दोनों चीजें, दमदमा का क्षेत्र प्रतापगढ़ में पड़ता है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है, ठीक है, तो नाम है लहुरादेव। कौन सा है? लहुरादेव है, जो कि आपका संत कबीर नगर में पड़ता है उत्तर प्रदेश में। यहां पर 8000 से 9000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये अब तक का खोजा गया सबसे पुराना स्थल है जहां पे आपके चावल के साक्ष्य आपको प्राप्त हुए हैं। तो नाम ध्यान रखिएगा लहुरादेव, जो कि आपके वर्तमान समय के संत कबीर नगर में पड़ता है। इसके बाद दूसरी तीसरी शताब्दी में कौसाम्बी को जो है मगों की राजधानी बोला जाता था। इस काल में इसका आर्थिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान था। कौशाम्बी को आद्य नगरी स्थल कहा जाता था, कौशाम्बी को आद्य नगरी स्थल बोला जाता था, जबकि यहां पर आपको इसके अलावा आपको दो कौशाम्बी को मगों की राजधानी भी बोला जाता था। थेर पंथ का प्रमुख केंद्र रहा है कौशाम्बी और इस नगर को हूण नेता तोरमार ने काफी यहां पे क्षति भी पहुंचाई है। इसके अलावा अतरंजी खेड़ा संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य ध्यान रखिएगा। अतरंजी खेड़ा में एक चीज ये पाई गई, 1000 ईसा पूर्व यहां पे लौह प्रयोग, धान की खेती, वृत्ताकार अग्निकुंड, गैरिक व कृष्ण लोहित मिडभांड की प्राप्ति यहां पर हुई है। अतरंजी खेड़ा से ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। क्या क्या है एक बार और देख लीजिएगा, लौह प्रयोग की जानकारी मिलती है, धान की खेती है, वृत्ताकार अग्निकुंड है, गैरिक और कृष्ण लोहित मिडभांड की प्राप्ति हुई है। यहां से सुंगों, कुषाणों और गुप्त शासकों से संबद्ध अवशेषों की भी आपको प्राप्त हुई है तथा चमकीली पात्र परंपरा जो 600 से आपको 500 ईसा पूर्व के बीच आपको यहां पर मिलती है। अयोध्या का बारे में भी एक जानकारी यहां पर है कि इसका प्राचीन नाम हम अयोध्या के नाम से जानते थे अयोध्या को। इसके अतिरिक्त कुशीनगर से संबंधित एक विस्तृत जानकारी यहां पर है कि पर्टिकुलर मतलब कहने का मतलब कि कुशीनगर के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है विस्तार से रूप से वो कुछ ग्रंथों से प्राप्त होती है, जैसे कि दिव्यावदान है, दीर्घ निकाय है, कनिष्क के सिक्के हैं, फहयान और वेनचांग की यहाँ पे विवरण इत्यादि से प्राप्त होता है। साथ ही यहाँ पर हूणों के आक्रमण की भी आपको इसमें जानकारी मिलती है, यहाँ पर हूणों के द्वारा आक्रमण किया गया। इसके अलावा कुरु पांचाल क्षेत्र में भरद्वाज, याज्ञवल्क, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि जैसे महान कह सकते हैं ऋषियों की तपस्थली रही। तो देखा जाए तो पांचाल का जो एरिया था वहां पे काफी सारे ऋषि मुनियों को स्थल के रूप में कह सकते हैं प्राप्त हुए, जानकारी वहां पर मिलती है। गौतम बुद्ध का जो अधिकांश जीवन था वो उत्तर प्रदेश में बीतने के कारण
उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पूछा भी गया है, पूछा भी जा सकता है कि किस क्षेत्र को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश को क्यों कहा जाता है, क्योंकि गौतम बुद्ध का अधिकांश जो जीवन रहा है वो यूपी में बीता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद जैन ग्रंथ में यहां पर देखा जाए तो भगवती सूत्र में यहां पर 16 महाजनपदों का उल्लेख आपको प्राप्त होता है। जिस तरीके से हमने यहां पर देखा कि आपको बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में और जैन धर्म के आपके भगवती सूत्र में यहां पे महाजनपदों की जानकारी मिलती है। इसके बाद बौद्ध और जैन धर्म के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। महावीर और बुद्ध मक्खली गोशाल इस काल के प्रमुख आपके कह सकते हैं कि व्यक्तित्व रहे। इसके अलावा जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में, 24वें तीर्थंकर का जन्म वैशाली में, और जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या जो होती है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रही है। तथ्य ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के से संबंधित यहाँ पे सर्वाधिक यहाँ पे अनुयायी रहे हैं। जैन धर्म के 5 तीर्थंकर कौन कौन से, ऋषभनाथ और अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ का जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है, अयोध्या में। इसके अलावा 7वें तीर्थंकर सुपार्वनाथ और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म जो होता है वो वाराणसी में हुआ है। इसके अतिरिक्त 6वें तीर्थंकर पद्मप्रभ कौशाम्बी से संबंधित रहे हैं और श्रावस्ती जो होती है तृतीय तीर्थंकर संभवनाथ के लिए यहां पर विख्यात है। इसके अलावा देवताओं के किले के रूप में देवगढ़ को हम जानते हैं, जहां पर प्राचीन जैन मूर्तियां और शिल्प कला की संबंधित आपको जानकारी यहां पर मिलती है। महोबा का गोखर जो पहाड़ है वो चट्टानों को काट कर निर्मित किया गया, इसमें 24 तीर्थंकरों के, जैन के 24 तीर्थंकरों की यहाँ पे मूर्तियां आपको बनाई गई हैं। नाम ध्यान रखिएगा, महोबा का गोखर पहाड़ में। इसके अलावा कांकड़ी देवरिया में 9वें तीर्थंकर सुविधिनाथ का निवास स्थल है। पार्श्वनाथ, संभवनाथ व चंद्र प्रभु को उत्तर प्रदेश में कैवल्य की भी प्राप्ति हुई। कुषाण काल के बारे में अगर देखा जाए तो कुषाण काल में मथुरा जो होता है जैन धर्म का सबसे आपका एक समृद्ध केंद्र के रूप में उभरा, और मथुरा में ही आपके कंकाली टीले के भग्नावशेषों से किसी समय निर्मित भव्य जैन स्तूप की भी आपको प्राप्ति होती है। मथुरा में यहाँ पर देखा जाए तो एक भव्य स्तूप की प्राप्ति होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मथुरा में आपको भव्य जैन स्तूप की प्राप्ति हुई है। और देवगढ़ और चंदेरी में मध्ययुगीन निर्मित अनेक स्थल आज भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यूपी में कौन कौन से स्थल हैं जो कि जैन धर्म से संबंधित हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। किस प्रकार के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, कौन से जैन तीर्थंकर हैं, उनकी जन्म हो गया, जन्म से रिलेटेड हो गया, या निर्वाण की प्राप्ति हो गई, या कैवल्य इत्यादि की प्राप्ति, कहाँ पर कौन से क्षेत्र इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जितने भी या तो तीर्थंकरों का जन्मस्थल है या स्तूप है या विहार है या उनका कैवल्य की प्राप्ति हुई या किसी तरीके से संबंधित हैं, तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए यूपी से रिलेटेड कौन कौन से जैन धर्म के प्रमुख स्थल हैं। इसके अलावा देवगढ़ व चंदेरी में मध्ययुगीन निर्मित अनेक स्थल आज भी आपको सुरक्षित मिलते हैं जो कि जैन धर्म से संबंधित हैं। साथ ही आजीवक संप्रदाय के जो प्रवर्तक रहे हैं वो हैं आपके मक्खली गोशाल, और इनका जो जन्म हुआ है यूपी के श्रावस्ती जिले में हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हमने देखा जैन धर्म। इसी तरीके से बौद्ध धर्म को लेकर भी काफी सारे फैक्ट आपको यहाँ पर आपको मिलते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में देखा जाए तो बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक रहे, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में शक्य क्षत्रिय कुल के नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। प्रारंभिक नाम आप सबको पता है सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के जो पिता थे वो शुद्धोधन थे, जो कपिलवस्तु अर्थात वर्तमान समय के हम कह सकते हैं कि सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वो वहां पर इसके राजा थे। बुद्ध की माता जो थी वो माया देवी थी, जो कि आपके रामग्राम गोरखपुर के कोलीय गणराज्य से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो बुद्ध से संबंधित प्रमुख घटनाक्रम और स्थलों को जो कि यूपी में है। सबसे पहले बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, ये अब तक बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और आपको रटा हुआ होगा, सारनाथ, ठीक है, ऋषि पत्रम जिसे कहते हैं, जिसे बौद्ध धर्म में हम इसे इस घटना को बोला गया है धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना, ये भी कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक जो उपदेश दिए वो कौशल राज की राजधानी श्रावस्ती में दिए। गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ वो 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा कुशीनगर में हुआ। तथ्य ध्यान रखिएगा, फैक्ट ध्यान का स्थल ध्यान रखिएगा, 483 ईसा पूर्व में। इसके अलावा बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कपिलवस्तु के शाक्य,
सुमसुमार पर्व के चुनार के भक्कल केल पुत्र, कालाम के रामग्राम और कोलिय, कुशीनगर के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपली वन के मोरी जैसे 7 मुख्य गणराज्य पाए गए हैं। यूपी में 7 मुख्य गणराज्य आपके गौतम बुद्ध के समय काल में पाए गए हैं। इसके अलावा गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक समय कौशल राज्य में व्यतीत किया है। बुद्ध का जो जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण जो है वो तीनों ही आपको वैशाख पूर्णिमा के दिन हुए हैं। और वैशाख पूर्णिमा देखा जाए तो सिख बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व के रूप में भी इसे मनाया जाता है। महात्मा बुद्ध ने वैशाली में संघ में स्त्रियों की प्रवज्ञा की अनुमति दी थी। ठीक है, कहाँ पे आपको वैशाली में महात्मा बुद्ध ने आपको प्रवज्ञा की अनुमति दी थी। और सबसे पहली जो महिला थी वो थी आपकी प्रजापति गौतमी, जो कि बुद्ध की सौतेली माता थी, को दीक्षा यहाँ पे प्रदान की गई। तो ये तथ्य ध्यान रखने हैं, यूपी में सबसे ज्यादा इनका पहला उपदेश कहाँ दिया, सबसे ज्यादा कहाँ से दिया, आपको कौन से प्रमुख स्थल यहाँ पर उनसे रिलेटेड हैं। इसके बाद ब्राह्मण धर्म, जिस तरीके से जैन धर्म और बौद्ध धर्म का यूपी में विकास हुआ था या चीज़ें डेवलप हुई या तथ्य आपको देखने को मिलते हैं, उसी तरीके से ब्राह्मण धर्म के संबंधित भी आपको साक्ष्य यूपी में मिलते हैं। जैसे कि प्रदेश में ब्राह्मण धर्म से संबंधित जो साक्ष्य आपको दिखाई देते हैं, जैसे देवी देवताओं की मूर्तियाँ, जैसे कि विष्णु की है, वासुदेव की है, सूर्य की है, कार्तिकेय, वाराह, दुर्गा, लक्ष्मी की प्राचीन जो मूर्तियां हैं वो आपको यहाँ पर मिलती हैं। साथ ही प्रदेश के मथुरा जनपद में सोख नामक स्थान पर उत्खनन से आपको कुषाणकालीन मंदिर भी आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो यूपी जो होता है जैन, बौद्ध, ब्राह्मण इत्यादि धर्मों के लिए यहाँ पर विकास यहाँ पर हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं अगले दौर में, जब हम पढ़ते हैं अलग अलग प्रकार के प्रशासन, जिसमें मौर्य प्रशासन आएगा, गुप्त प्रशासन आएगा और उसके बाद की प्रविधियां। सबसे पहले मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं। मौर्य प्रशासन अगर देखा जाए तो मगध राज्य का संस्थापक जो था बिंबिसार था, लेकिन नंदवंश के जो संस्थापक थे वो महापद्मनंद थे। इसके शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण भी आपको देखने को मिलता है। मौर्य ने अपने गुरु विष्णुगुप्त, जिन्हें हम कौटिल्य या चाणक्य के नाम से जानते हैं, की सहायता से नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की 322 ईसा पूर्व में। इसके बाद देखा जाए तो प्रदेश का जो क्षेत्र था यूपी से रिलेटेड वो आपको मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आता रहा। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंबिसार और अशोक के शासनकाल में देखा जाए तो शांति इत्यादि की स्थितियां आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। अशोक के स्तंभ और शिलालेख उत्तर प्रदेश के कई स्थानों में, जो सर्वाधिक रूप से यूपी से रिलेटेड फैक्ट यहाँ पर मौर्य काल में बनता है वो अशोककालीन स्थलों को लेकर है। अशोककालीन स्थल कहने का मतलब है शिलालेख स्तंभ ले कहाँ से पाए गए हैं, वही यूपी से मौर्यकालीन पूछे गए सबसे ज्यादा प्रश्न हैं। तो इसमें देखा जाए यदि तो हम प्रमुख जो शिलालेख हैं और उन शिलालेखों में कई बार ये भी पूछ लिया गया है कि उत्कीर्ण क्या है, जानकारी क्या है उन शिलालेख में, ये दोनों तरीके के प्रश्न आपको बनते हैं। तो इन दोनों तरीके के प्रश्नों को हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले सारनाथ स्तंभ लेख, ठीक है, सारनाथ स्तंभ लेख देखिए सब बनवाए अशोक के द्वारा गया है और सम्राट अशोक के द्वारा यहाँ पे इसे बनवाने के में बनवाया गया है। और यहाँ पे जो प्रमुख रूप से जो जानकारी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस है इसकी, कि भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, जो शेर आपको दिखाई देता है, शेर आपके जो 3-4 शेर हैं आपके जो फ्रंट में हैं, बेसिकली आपके 4 शेर लेकिन 3 आपको फ्रंट में दिखाई देते हैं, तो इसके शीर्ष से लिया गया है। और ये आपका कहाँ पे है, सारनाथ के स्तंभ लेख पर, स्तंभ पे सबसे ऊपरी स्तर पे है और यही आपको चिन्ह जो होता है राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में से लिया गया। दूसरा मेरठ स्तंभ लेख, इस पर देखा जाए तो 7 लेख हैं और इसे 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लेकर आया गया और अपने किले में लगवा दिया गया। इसके बाद कौशाम्बी का जो शिलालेख है, इसमें सम्राट अशोक की रानी तिसरक्षिता का इसमें उल्लेख आपको मिलता है। देखिए जो फैक्ट है बस हमें वही ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, जैसे कि पूछ लिया जाए फिरोज शाह तुगलक ने कौन से यहाँ पे शिलालेखों को दिल्ली लेकर आया, किले में लगवाता है, तो यहाँ पे मेरठ और टोपरा के दो आपके नाम ध्यान रखने, मेरठ और टोपरा के स्तंभ लेखों को उसने लगवाया था। कौशाम्बी शिलालेख में जो क्वेश्चन बनते हैं कि भाई तिसरक्षिता की जो जानकारी मिलती है वो किस शिलालेख स्तंभ लेख से मिलती है, तो कौशाम्बी शिलालेख से यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा इलाहाबाद या प्रयाग दुर्ग स्तंभ लेख, इसे अशोक स्तंभ भी कहा जाता है, ठीक है, अशोक स्तंभ भी इसे कहा जाता है। और इस पर समुद्रगुप्त हरिषेण द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति में उसके भारत विजय का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। अकबर ने इसे प्रयागराज के किले में बाद में लगवा लिया था। इसके अलावा
अहरौरा शिलालेख जो होता है मिर्जापुर में है, यहां पर आपके ये सबसे छोटा शिलालेख है, ठीक है। अहरौरा शिलालेख आपका सबसे छोटा शिलालेख है। अयोध्या शिलालेख से संबंधित जो फैक्ट है उसमें कहा गया है कि अयोध्या में जो प्रथम ईस्वी में पुष्यमित्र सुंग के वंशज सम्राट धनदेव के पारिवारिक विवरण यहाँ पर जो जानकारी है वो शुंग वंश से संबंधित वहाँ पर और उससे अन्य जो जानकारियाँ रहें ब्राह्मण धर्म ईसापुर के बारे में, तो वो सारी जो जानकारी मिलती है वो हमें कहाँ से मिलती है? अयोध्या शिलालेख से। इसके बाद सातवां इसमें है शिवलिंग शिलालेख। शिवलिंग शिलालेख ये रेह ग्राम से प्राप्त हुआ है और ये इसकी विशेषता ये है कि ये जो शिलालेख है एक तरीके से देखा जाए तो शिवलिंग पर अंकित कुछ पंक्तियाँ हैं और इसमें सिर्फ 3-4 पंक्तियाँ ही शेष रह गई हैं और इसे बोला गया है शिवलिंग शिलालेख जो कि आपके रेह ग्राम में पाया गया है। इसके अलावा कनिष्क के अस्तंभ लेख मथुरा अभिलेख से प्राप्त हुए हैं जिसमें प्रथम शताब्दी में के अंतिम चरण की जानकारी इसमें मिलती है और ब्राह्मी लिपि में यहां पे उद्धृत जानकारी है। पिपरवा का धातु लेख जो होता है सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश में यहां पर स्थित है जिसमें पिपरवा जो ग्राम है पर मिले एक कलश पर यहाँ पे अंकित जो जानकारी है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो प्राचीन आपका कपिल वस्तु रहा है वही वर्तमान का पिपरवा गांव रहा है। इसके अलावा सोहगौरा कांस्य लेख जो है गोरखपुर में स्थित है, मौर्य काल में अकाल का सामना करने के लिए जो संग्रहित अनाज भंडारों की व्यवस्था करने का वर्णन यहाँ पे सोहगौरा कांस्य लेख से यहाँ पर मिलता है। ग्यारहवां इसमें है अस्तमगल स्कंद गुप्त का भीतरी अभिलेख जिसमें स्कंद गुप्त के द्वारा अपने पिता कुमार गुप्त की स्मृति में इसे बनवाया गया था। देखा जाए तो यूपी में आपको इन स्तंभ लेख शिलालेख लघु लेख कांस्य लेख इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ना सिर्फ यहाँ पे अशोक के द्वारा बनवाए गए बल्कि अन्य जो भी यहाँ पर डेवलप किए गए, क्योंकि इससे जो प्रश्न आपको बनते हैं यूपी में अगर आता है तो आपको पता होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप सबको पता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको काफ़ी बार प्रश्न में पूछा गया है और पूछा जाता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक से संबंधित कुछ अन्य तथ्य भी आप यहाँ पे जान के रखिएगा। सबसे पहली चीज, अशोक के द्वारा सारनाथ वाराणसी में निर्मित स्तंभ लेखों पर सिंहों की आकृति यहाँ पर बनी हुई है जिसे हम राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार करते हैं। दूसरा, अशोक के समय पाषाण कलाकृतियों तथा लेखों का जो निर्माण है वो चुनार मिर्जापुर के बलुए पत्थर से यहाँ पर किया गया है, ठीक है। कैसे पत्थर है? बलुए पत्थर का प्रयोग किया गया है। मौर्य वंश के अंतिम शासक का नाम रेदत्त रहा है। इसके अलावा टोपरा और मेरठ स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, दिल्ली एवं कौशाम्बी स्तंभ लेख को अकबर के द्वारा प्रयाग के किले में स्थापित कराया गया। तो इस तरीके से यहाँ पे मौर्य काल यहाँ पे समाप्त होता है और मौर्य काल से संबंधित जो घटनाक्रम रही हैं वो हम देख लेते हैं। मौर्य काल के बाद यूपी में कुछ अन्य वंशों की जो उससे संबंधित जो फैक्ट आपको हैं, जैसे कि शक है, सुंग है, कुषाण है, गुप्त है, गुप्तोत्तर है, तो और पुष्यभूति वंश है, तो इनसे संबंधित अब जानकारी चलिए देखते हैं। सबसे पहले शक वंश से संबंधित क्या विशेष है यूपी में? पहली बात तो देखा जाए शक हैं वो मूल रूप से मध्य एशिया के एक बर्बर और खानाबदोश जनजातियां रही हैं और इन्होंने भारत में जो प्रवेश किया वो ईरान के रास्ते से प्रवेश करते हैं। उसके बाद देखा जाए तो यवन सत्ता को ये समाप्त करते हैं और बड़े भूभाग पर भारत में कब्जा करते हैं। शकों की जो विभिन्न शाखा रही है उसमें से एक शाखा आपको यूपी में भी पाई गई है। तो इनकी कौन कौन सी शाखाएं रही हैं? तक्षशिला, महाराष्ट्र, उज्जैन, मथुरा, चार रही हैं। तो एक यहां पर यूपी में पाई गई शकों की एक जो शाखा रही है वो यूपी में पाई जाती है, वो कौन सी है? मथुरा। बाकी की चार टोटल कौन सी है? तक्षशिला, महाराष्ट्र, उज्जैन और मथुरा। शुंग वंश से संबंधित क्या तथ्य है? शुंग वंश की जो स्थापना हुई 185 ईस्वी में होती है। पुष्यमित्र सुंग के द्वारा यहाँ पे अंतिम मौर्य सम्राट वेदत्त की हत्या करके इसकी स्थापना की गई। इनकी राजधानी इन्होंने विदिशा को बनाया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से सुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र सुंग राजपाल धनदेव का एक शिलालेख प्राप्त होता है जिसमें उसके ब्राह्मण धर्म के अनुयायी होने का प्रमाण मिलता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो शुंग वंश है, जो पुष्यमित्र सुंग थे, वो कैसे थे? ब्राह्मण धर्म के यहाँ पे अनुयायी हुए। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो नाम ध्यान रखिएगा आपको अयोध्या के शिलालेख से। इसके अलावा इसी शिलालेख में यह भी एक जानकारी मिलती है कि इसके द्वारा दो अश्वमेध यज्ञ कराए गए, पुष्यमित्र सुंग के द्वारा दो अश्वमेध यज्ञ कराए गए हैं। इस यज्ञ के जो पुरोहित थे वो थे महाभाष्य कृत के रचनाकार आपके पतंजलि। इसके अलावा जो मोर अर्थात की मथुरा का जो क्षेत्र है
मथुरा से मिले ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण लेख में मथुरा शाखा के प्रथम क्षत्रप राजूल का भी यहाँ पर उल्लेख मिलता है। शुंगवंश के बारे में एक चीज बहुत अच्छी रहती है कि यहाँ पर संस्कृति, साहित्य, कला, हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म का यहाँ पर विकास इस काल में आपको देखने को मिलता है इनके प्रशासन क्षेत्र में। शुंगवंश के बाद आता है कुषाण वंश, और कुषाण वंश देखा जाए तो कुषाण एक यूची जात के कबीलों का एक समूह था जिसमें 5 कुल थे। इसमें कुजुल कटफिशेस के द्वारा इसको स्थापित की जाती है कुषाण वंश की, और कटफिशेस द्वितीय ने यहाँ पर बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की। किसके द्वारा? कटफिशेस द्वितीय के द्वारा यहाँ पर स्वर्ण मुद्राएं बड़ी संख्या में जारी की गई। विम कटफिशेस के सिक्कों पर किसकी आकृतियां यहाँ पर मिलती हैं? तो ध्यान रखिएगा, नंदी, शिव, त्रिशूल की आकृतियां बनी हुई हैं। विम कटफिशेस की सिक्कों पर नंदी, शिव और त्रिशूल की आकृतियां मिली हुई हैं, और ये जो सिक्के प्राप्त हुए हैं मथुरा से आपको प्राप्त होते हैं। तो नाम ध्यान रखिएगा, यूपी में किस क्षेत्र से कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं? मथुरा से मिले। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत को प्रारंभ किया। कुषाण कालीन जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वो सिंधु के पश्चिम में पाई गई हैं, लेकिन अगर देखा जाए इसके जो अभिलेख हैं, कनिष्क कालीन जो अभिलेख आपको यूपी में मिलते हैं वो मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, वाराणसी तक यहां पर हैं। 4 स्थल हैं यूपी में, कहां कहां? मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, वाराणसी में कुषाण कालीन आपको स्तंभ लेख यहां पर या अभिलेख आपको पाए गए। इसके अलावा मथुरा जो है भारत में कुषाणों की द्वितीय राजधानी थी, और मथुरा से कुषाण काल के सिक्के, अभिलेख, संरचनाएं और मूर्तियां, सभी चीजें। तो कुषाण वंश से संबंधित यहाँ पे मथुरा का क्षेत्र को आपको ध्यान में रखना है। कुषाण काल के बाद आपको गुप्त वंश आता है, और गुप्त वंशों के बारे में जो जानकारी यहां पर है कि कुषाणों की समाप्ति के पश्चात गुप्त राजवंश की स्थापना 275 ईस्वी में यहां पर होती है, महाराज श्रीगुप्त के द्वारा की गई, लेकिन इसके वास्तविक जो संस्थापक हैं उसे घटोत्कच रहे हैं। घटोत्कच के बाद जो होते हैं चंद्रगुप्त प्रथम यहां पर आपके इनके शासक बनते हैं, और इनके द्वारा गुप्त संवत 319-20 को प्रारंभ किया गया। इसके पश्चात उनका पुत्र समुद्रगुप्त, जिसे भारत का हम नेपोलियन भी कहते हैं, के द्वारा सत्ता को संभाला गया, और समुद्रगुप्त का जो शासन काल रहा है उसके दौरान इसने उत्तरायण और दक्षिणायन अभियान भी किए। ब्राह्मण धर्म का ये अनुयायी रहा, और सतना में भरुद स्तूप का भी इसने निर्माण कराया। प्रयाग स्तंभ में हर्षेण के द्वारा रचित समुद्रगुप्त का एक प्रशस्त लेख आपको उत्कीर्ण मिलता है, जो एक प्रमुख जानकारी है, यूपी से संबंधित है। ठीक है, कौन सा है? प्रयाग स्तंभ में यहाँ पर समुद्रगुप्त की विजयों से संबंधित आपके प्रयाग प्रशस्त लेख का उत्कीर्ण किया गया है। समुद्रगुप्त में मथुरा के शासक गणपति नाग को भी यहाँ पर हराया था। साथ ही प्रयाग स्तंभ में रानी करुवाकी के द्वारा दिए गए दान का भी उल्लेख है, इसलिए रानी स्तंभ लेख भी बोला जाता है। गुप्त काल में सारनाथ व मथुरा में बुद्ध की सुंदर प्रतिमाएं बनी हैं। यह भी ध्यान रखना है कि इस काल में यहां पर गुप्त काल में ही सारनाथ और मथुरा में बुद्ध की सुंदर प्रतिमाओं का निर्माण किया गया। इसके अलावा समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय यहां पर शासक बनता है, और इसे गुप्त काल का स्वर्ण युग बोला जाता है। आरंभिक गुप्त मुद्राएं, पुरातात्विक अवशेष सर्वाधिक जो हैं वो उत्तर प्रदेश से आपको मिलती हैं। उत्तर प्रदेश में ही आपके कानपुर का जो भीतर गांव है, कानपुर का भीतर गांव और गाजीपुर के भीतर तथा झांसी के देवगढ़ में निर्मित ईंट के मंदिर आपको इसी दौरान आपको मिलते हैं। गुप्त शासक का जो विस्तार है वो आपका मध्य गंगा मैदान से लेकर के प्रयाग और साकेत तक फैला हुआ दिखाई देता है। तो गुप्तवंशी शासन और अभियान, प्रशस्ति, अभिलेख, स्तंभ, मंदिर इत्यादि की जो जानकारी, ये आपको ध्यान रखना है जो गुप्तकालीन आपको यूपी से संबंधित है। गुप्त के बाद गुप्तोत्तर काल स्टार्ट होता है, और यहां पर देखा जाए तो कन्नौज का जो क्षेत्र है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस दौरान देखा जाए तो 7वीं सदी के पहुंचते पहुंचते कन्नौज जो होता है उत्तर भारत का एक मुख्य नगर बन जाता है, और तोरमाड़ और मेहलकुर के नेतृत्व में उत्तरी पश्चिमी चीन के श्वेत हूणों ने मथुरा, कन्नौज, कौशाम्बी को यहां पर छिन्न भिन्न किया, काफी सारे आक्रमण किए। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने यहां पर कन्नौज की समृद्धि का उल्लेख किया इस दौरान, और कन्नौज के मौखरी वंश के शासक ईशान वर्मा ने हूणों को हरा करके उत्तर भारत को यहां पर हूणों से मुक्त कराया। एक प्रमुख यहां पर घटना रही है कि यहां इस दौरान यहां पर बाहरी आक्रमण, हूणों का आक्रमण यहां पर होता रहा। पुष्यभूति जो वंश आता है यहां पर देखिए, पुष्यभूत के द्वारा सबसे प्रभावशाली योग्य शासक यहाँ पे देखा जाए पुष्यभूत जो वंश में, वो हर्षवर्धन रहा है। हर्षवर्धन देखा जाए जो इनका शासन काल रहा है वो 606 से लेकर के 646 ईस्वी तक का रहा है। इस दौरान यहाँ पर वेनशांग जो होता है इनके शासन काल में यात्रा पे आता है, और हर्षवर्धन ने
थानेश्वर की जगह कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। कन्नौज में ही इसकी समृद्धि के कारण इसे महादेव श्री यहाँ पे बोला गया है। और हर्षवर्धन ने 643 में ही आपको कन्नौज को उसकी समृद्धि के कारण कन्नौज तथा प्रयागराज में दो विशाल धार्मिक सभाएं की हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन के द्वारा दो विशाल धार्मिक आयोजन जो किए गए हैं उसमें से एक कन्नौज और दूसरा कौन सा प्रयाग है। इसके अलावा दीर्घकालीन यहाँ पर देखा जाए तो आपको जो कन्नौज का क्षेत्र रहा है वो काफी यहाँ पर लंबे समय तक गुर्जर प्रतिहार पालों और राष्ट्रकूटों के मध्य एक दीर्घकालीन त्रिकोणीय संघर्ष का क्षेत्र बना रहा। और सबसे ज्यादा समय तक जो कन्नौज पर शासन रहा है वो गुर्जर प्रतिहारों का रहा है। इसके अलावा भीतरी स्तंभ लेख जो कि गाजीपुर में है वो पुष्यमित्रों व हूणों के मध्य स्कंदगुप्त के युद्ध का यहां पर वर्णन किया गया है। दूसरा गढ़वा जो प्रयागराज क्षेत्र है वहां पे कुमारगुप्त प्रथम के दो और स्कंदगुप्त का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। नाम ध्यान रखिए, गढ़वा जो कि प्रयागराज में है ये यहां पर आपको ध्यान रखना है, कुमारगुप्त के दो और स्कंदगुप्त का एक शिलालेख है। हर्षवर्धन प्रति पांचवें वर्ष प्रयाग में एक महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। ठीक है, कहां पे? प्रयागराज में। यहां पे महामोक्ष परिषद का आयोजन हर्षवर्धन के द्वारा प्रति पांचवें वर्ष करता था। यहां पर देखा जाए, एक चीज और ध्यान रखना है आपको, हर्षवर्धन के द्वारा 628 ईस्वी का ताम्र दानपत्र लेख जो होता है वो बांसखेड़ा से प्राप्त हुआ है। यह ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है और संस्कृत भाषा में भी लिखा गया है, जिसमें हर्ष की वंशावली, प्रशासनिक संरचना, सैनिक अभियान इत्यादि का आपको इसमें उल्लेख मिल जाएगा। इस अभिलेख में अब हर्षवर्धन के द्वारा अक्षत्र मुक्ति मरकट सागर के गांव का कर मुक्त कर दो ब्राह्मणों को दान देने का उल्लेख है। इस अभिलेख में हर्ष के हस्ताक्षरों की अनुलिपि भी आपको उत्कीर्ण मिल जाती है। तो यहां पर देखा जाए जो हमारा उत्तर प्रदेश का जो प्राचीन भारत रहा है, ठीक है, प्राचीन भारत से संबंधित हमने यहाँ पे सभी कालक्रम घटना को पढ़ लिया, विभिन्न वंशों के बारे में पढ़ लिया, जैन बौद्ध ब्राह्मण धर्म के बारे में पढ़ लिया, वैदिक सभ्यता पाषाण काल समितो सभ्यता को पढ़ा, महाजनपद काल पढ़ा, लगभग सब चीज़ें हमने यहाँ पर जो यूपी स्पेशल से रिलेटेड है वो देख ली। एक चीज़ और आता है, अब इसमें एक चीज़ जो रह जाती है, प्राचीन काल के प्रमुख आपको उत्तर प्रदेश के स्थल कौन कौन से हैं और उनसे संबंधित प्रमुख आपके तथ्य कौन से हैं उसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि प्राचीन कालीन प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। पहला यहाँ पे है अयोध्या। अयोध्या के बारे में जो जानकारी है, सबसे पहला इसका प्राचीन नाम आपका अयाच्या रहा है। दूसरा, पांच जैन तीर्थंकरों की ये जन्मभूमि रही है और बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने एक स्तूप का निर्माण भी आपका अयोध्या में कराया है। ये तीनों ही चीजें आपको अयोध्या के लिए यहाँ पे ध्यान रखनी है। दूसरा जो क्षेत्र यूपी में आपको ध्यान रखना है, अक्षत्र। अक्षत्र जो है यहाँ पर मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के आपको 200 से 300 ईस्वी के प्राप्त हुए हैं। अक्षत्र में के शासक अच्युत को समुद्रगुप्त ने पराजित किया। अक्षत्र में ही गुप्तकालीन आपको यमुना की एक मूर्ति मिलती है। तो ध्यान रखिए, यमुना की जो मूर्ति मिली है वो कहाँ से मिली है, यूपी में अक्षत्र से मिलती है। इसके बाद कांपिल्य का क्षेत्र ध्यान रखिएगा। कांपिल्य किस लिए? कांपिल्य जो है बदायूं फर्रुखाबाद के मध्य स्थित है और प्राचीन काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र आपका कांपिल्य रहा है। साथ ही देखा जाए तो आपका पांचाल राज्य जो महाजनपद था उसकी राजधानी भी रही है। इसके अलावा नेक्स्ट है काशी। काशी एक महाजनपद भी रहा है और सर्वप्रथम इसका जो उल्लेख मिलता है काशी क्षेत्र का वो अथर्ववेद में मिलता है। कहां मिलता है काशी का उल्लेख? अथर्ववेद में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। महाभारत के अनुसार इस नगर की स्थापना जो होती है वो दिवोदास ने की थी। किसने की थी? दिवोदास ने की थी। काशी महाजनपद भी रहा, इसके अलावा इसकी राजधानी जो थी वो वाराणसी रही। अगला जो प्रमुख स्थल है वो है एटा। एटा देखिए, यहाँ पे एक गांव है कटिंगरा गांव, जो कि आपको 200 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक की स्थिति यहाँ पर आपको जानकारी मिलती है यहाँ पे। और इस काल में यहाँ पर आपको कई सारे उपकरण यहाँ पर आपको मिलते हैं एटा के कटिंगरा गांव में। किससे? 200 ईसा पूर्व के 600 ईस्वी तक के आपके कई सारे उपकरण इस क्षेत्र में मिलते हैं। इसके अलावा देवगढ़ है जो कि ललितपुर जिले में है और पुरातात्विक साक्ष्यों से गुप्त काल के विशेष स्थापत्य मूर्तिकला के साक्ष्य इसमें मिलते हैं। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर आपको यहाँ पर स्थित मिलता है।
इस मंदिर की जो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें एक 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है और भारतीय मंदिर निर्माण में संभवतः इस तरह का पहला एग्जाम्पल भी कहा जाता है इसे। इसके अलावा यहाँ पर इसमें 4 मंडप हैं, जो कि अन्य मंदिरों में देखा जाए तो एक ही मंडप उस समय होता था, लेकिन यहाँ पर आपको देखा जाए 4 मंडप बनाए गए हैं। देवगढ़ को आपको ध्यान रखना है। अगला है कानपुर। कानपुर देखिए, यहाँ पे गुप्तकालीन भीतरगांव का मंदिर यहाँ पर है और इसे ईंटों से बनवाया गया है और इसका जो शिखर है इसमें भी एक शिखर का निर्माण किया गया है। इसको एक चबूतरे, पहले एक ऊंचा चबूतरा बनाया गया, उस चबूतरे के ऊपर यहाँ पे मंदिर को निर्मित किया गया है और इसका जो छत है वो पिरामिड के आकार का है। मथुरा के बारे में भी एक चीज आपको कुछ तथ्य ध्यान रखने हैं। मथुरा सबसे पहले कुषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी रही। कुषाणकालीन सिक्कों की यहाँ पे प्राप्ति होती है। समुद्रगुप्त ने मथुरा के शासक गणपति नाग को हराया और मौर्योत्तर काल में मथुरा एशिया से संबद्ध रेशम मार्गों से जुड़ा रहा। यहाँ पे साटक वस्त्र का निर्माण का प्रमुख केंद्र भी रहा है मथुरा। साटक वस्त्र का प्रमुख निर्माण का केंद्र भी आपका मथुरा रहा है। इसके अलावा श्वेतांबर जैन मत का यह केंद्र रहा है। बौद्ध मत के सर्वास्तिवादी विचारधारा का उद्भव भी आपको मथुरा से हुआ है। इसके अतिरिक्त मथुरा कला शैली में बुद्ध की प्रथम मूर्ति को जो संभवतः यहाँ पे विकास किया गया। साथ ही अगर देखा जाए प्राचीन काल के साथ साथ यदि हम थोड़ा सा मध्यकालीन क्षेत्र में प्रवेश करें तो 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मथुरा के मंदिरों को ध्वंस किया और यहाँ पे लूटपाट की। और वहीं 1670 ईस्वी में औरंगजेब ने मथुरा के कृष्ण मंदिर, जिसे वीर सिंह बुंदेला के द्वारा निर्मित किया गया था, उसको यहाँ पर उसने नष्ट कर दिया। तो देखा जाए तो मथुरा की जो जानकारी काफ़ी यहाँ पर अलग अलग समय कालों से लेकर जैन बौद्ध कुषाण कालीन से लेकर के ब्राह्मण धर्म से लेकर के आपको यहाँ पर मध्यकालीन तक स्थितियों के बारे में विशेष जानकारी आपको इसमें से मिलती है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, उसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है राजघाट। ये वाराणसी के समीप है। यहाँ से उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड संस्कृत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर किस प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं, उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड, कहाँ से, राजघाट, जो कि पड़ता कहाँ है, वाराणसी में। नेक्स्ट है श्रावस्ती। श्रावस्ती देखिए, ये 3 प्रमुख व्यापारिक मार्ग उत्तरापथ, दक्षिणापथ और मध्यपथ के केंद्र में स्थित होने के कारण राजनीतिक और व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र रहा। यहाँ के एक साहूकार थे जिनका साहूकार अनाथ पिंडक ने जेतवन महाविहार को बौद्धों को अनुदान में दिया। साथ ही आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खली गोशाल की जन्मभूमि आपको श्रावस्ती रही और श्रावस्ती से कनिष्क के 2 अभिलेख भी आपको प्राप्त होते हैं। तो श्रावस्ती संबंधित ये 3 से 4 तथ्य हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद एक और प्राचीन स्थल है आपका सकिंसा। सकिंसा देखा जाए तो फरुखाबाद में पड़ता है और ये पांचाल महाजनपद का एक प्रमुख नगर रहा है। साथ ही स्कंद गुप्त के सिक्के आपको सकिंसा से प्राप्त होते हैं। एट द लास्ट एक और स्थल है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर जो है ये मेरठ में आपको पड़ता है और ऊपरी गंगा घाटी की संस्कृतियों के अनुक्रम की इसमें जानकारी मिलती है। दूसरा, मृदभांड संस्कृत से उत्खनन में मौर्योत्तर कालीन प्रस्तर प्रतिमाएं, मथुरा के दंतवंशी शासकों के सिक्के, योद्धेयों की मुद्राएं, कुषाणों के सिक्के, ये सभी आपको हस्तिनापुर से प्राप्त होती हैं। देखा जाए हस्तिनापुर की जो स्थापना की गई वो हस्तिन नामक एक शासक के द्वारा की गई और महाभारत काल में देखा जाए तो कौरवों की ये राजधानी भी रही। हड़प्पा काल के बारे में अगर हम बात करें तो हड़प्पाकालीन एक अवशेष हुलास है। हुलास से यहाँ पर आपको हड़प्पाकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। साथ ही हुलास खेड़ा से कुशाल काल और गुप्त काल के भौतिक अवशेष की जानकारी भी यहाँ पर आपको मिलती है। कुषाणकालीन जो जानकारी यहाँ पर देखा जाए तो मुख्य रूप से 200 मीटर लंबी सड़कें हैं, सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था है, कार्तिकेय की स्वर्ण प्रतिमा है, चांदी के आहत सिक्के हैं, कुषाणों के ताम्र सिक्के हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको कुषाणकालीन आपको हस्तिनापुर से मिलती हैं। इसी तरीके से गुप्तकालीन जो अवशेष यहाँ पर हैं, जैसे गुप्तकालीन दुर्ग के भग्नावशेष, तांबे चांदी के सिक्के, गुप्त लिपि में उत्कीर्ण मोहरें, हाथी दांत की कंघी और मोहरें, ये सारे कुछ आपको कहाँ से प्राप्त हुई हैं, हस्तिनापुर से। तो यहाँ पर देखा जाए यूपी का जो प्राचीन इतिहास का क्रम रहा वो आपका हो गया समाप्त। प्राचीन भारत में यहाँ पे काफ़ी सारे जो प्रश्न किसी भी तरीके से बनते हैं या पूछे गए हैं वो सबका आपको एक ही घटनाक्रम में यहाँ पे कंप्लीट हो गया।
अब हम यहाँ पर दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन से संबंधित यहाँ पे जो प्रमुख फैक्ट हैं, सबसे पहले 831 में महोबा में चंदेलों ने अपनी एक राजधानी स्थापित की। इसके बाद गढ़वाल जो वंश रहा, जिसके चंद्रदेव ने कन्नौज में गढ़वाल वंश की स्थापना की और जिसका अंतिम जो शासक था वो जयचंद था। 1194 ईस्वी में यहाँ पे चंदावर की लड़ाई में देखा जाए तो मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया और उसको उसकी हत्या भी की, और उसके बाद वहाँ पर देखा जाए दिल्ली सल्तनत पर धीरे धीरे उसका भारत पर उसने कब्जा भी किया। और इसके बाद सल्तनत काल का यहाँ पे प्रारंभ होता है, और सल्तनत काल में देखा जाए तो आपको धीरे से आपको अलग अलग वंश आते हैं, जैसे कि आपका गुलाम वंश आता है सल्तनत काल में, खिलजी वंश आता है, तुगलक वंश आते हैं, तो लोधी वंश आता है। इनकी यहाँ पर कालक्रम यहाँ पे आपको शुरुआत होती है। तो सबसे पहले सल्तनत काल में मोहम्मद गोरी जो होता है उसके द्वारा अपने विजित प्रदेशों को मिला करके एक यहाँ पे साम्राज्य बनाया जाता है, और इस साम्राज्य को वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका गुलाम था उसे वहाँ पर सौंप के वापस चला जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक देखा जाए तो यहाँ पर उसने 1202 में गुलाम वंश के यहाँ पर नींव डालता है, और उत्तर प्रदेश का लगभग जो पूरा क्षेत्र रहा वो उस समय दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र में आता था। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण एकताएं थी इस समय देखा जाए, जिसमें संभल, कड़ा और बदायूं सल्तनत काल की एक प्रमुख जागीर थी, और यहाँ पर जागीरदारों को इसे एक इक्ते के रूप में इसे प्रदान किया गया। कड़ा इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण, कड़ा और बदायूं इसकी सबसे महत्वपूर्ण आपको एकताएं रही हैं। देखा जाए तो संत मलुकदास की जन्मस्थली भी आपको कड़ा रही है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल शासक परमादेव को हराकर कालिंजर को भी प्राप्त किया। आगे चलकर पूर्व मध्यकाल में कालिंजर पर बांदा और राजपूतों का यहाँ पर शासन रहा, लेकिन 12वीं शताब्दी तक आते आते यहाँ पर देखा जाए तो तुर्क, अफगान और मुगलों के आक्रमण काफी बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कोइल, जो कि वर्तमान समय में अलीगढ़ में आता है, तो कोइल पर यहाँ पर अधिकार किया। 12वीं शताब्दी के अंत तक यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालपी को जालौन से यहाँ पर जीत लिया था। इस तरीके से उसने एक बड़े साम्राज्य को और काफी सारे क्षेत्रों को विजित करके यहाँ पे सल्तनत काल को यहाँ पर वृद्धि की। यूपी काफी सारे क्षेत्र उसके अंतर्गत पूरा आता रहा, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद वहां पर इल्तुतमिश का शासक बनता है। इल्तुतमिश देखा जाए तो एक तरीके से सुल्तान बनने से पूर्व वो पहले ही बदायूं का आपका इक्तेदार था, और बदायूं की जामा मस्जिद इल्तुतमिश ने ही बनवाई है। इसके अलावा बदायूं जो है वो सूफी जो संत हैं शेख निजामुद्दीन औलिया का यहाँ पर आपको और शेख निजामुद्दीन औलिया और दूसरे इतिहासकार थे अब्दुल समद बदायूनी से यहाँ पर संबंधित है। बदायूं दिल्ली लखनौती ये आपको देखा जाए बदायूं इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उस समय क्योंकि जो व्यापारिक मार्ग था उस समय का दिल्ली से लखनौती के बीच का, उसके बीच में आपका बदायूं पड़ता था, और इस कारण से वहां पर एक प्रमुख आपके इक्ते के रूप में इसे कहते हैं डेवलपमेंट वहां पर उस समय हुई थी। इसके बाद यहां पर देखा जाए तो एक और फेमस आपको आता, फिर अगले बार आता है अलाउद्दीन खिलजी अर्थात खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश से संबंधित जो यूपी का एक प्रमुख इंपॉर्टेंट जो क्षेत्र है वो है कड़ा। कड़ा क्यों फेमस है इस समय, तो यहाँ पर देखिए जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा इस वंश की यहाँ पर स्थापना की जाती है, और इसके शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी जो होता है वो कड़ा का सूबेदार रहता है। ठीक है, कहाँ का? कड़े का सूबेदार रहता है। इसके बाद यहीं से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1296 में अपना देवगिरि अभियान किया गया, और उसके बाद 1296 में यहाँ पर अभियान करने के बाद सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की उसने हत्या भी कड़ा में ही कर दी और अपने आप को एक शासक यहाँ पे घोषित कर देता है। तो खिलजी वंश से संबंधित कड़ा को ध्यान रखें, दो फैक्ट यहाँ पर आपको यूपी से रिलेटेड हैं। तुगलक वंश से संबंधित क्या फैक्ट है यहाँ पर यूपी से रिलेटेड, तो एटा जनपद है। कौन सा? एटा जनपद। एटा जनपद क्यों है? एटा जनपद में स्वर्ग द्वारी की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कराई गई। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फिरोजाबाद और जौनपुर नामक दो नगरों की स्थापना यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यूपी में की गई, जिसमें जौनपुर की स्थापना जो होती है 1358 में 59 में मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात उर्फ जौना खां के स्मृति में यहाँ पर उसने बनवाई थी, उसके सम्मान में यहाँ पर जौनपुर नगर की स्थापना की थी। सरकी वंश जो है वो तुगलक वंश के पतन के दौर में यहाँ पर जौन मलिक हुसैन सरकी के द्वारा सरकी वंश की यहाँ पर स्थापना जौनपुर में की जाती है, जौनपुर को वो स्वतंत्र घोषित कर देता है। और इसके बाद सरकी सल्तनत के समय जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता था, ये एक फैक्ट ध्यान रखेगा।
सिराजे हिंद किसे कहा जाता था? तो पहला तो जौनपुर, किसके शासनकाल में? तो सरकी सल्तनत के काल में। जौनपुर में जामी मस्जिद एवं लाल दरवाजा जो है हुसैन शाह सरकी के द्वारा यहाँ पे बनवाया गया। इसके अलावा मलिक सरवर को मलिक उस सर्फ यानी कि पूर्व के स्वामी की उपाधि यहाँ पे प्रदान की गई और पूर्वी क्षेत्रों का उसे शासक बनाया गया। तो मलिक उस सर्व यानी पूर्व का स्वामी किसे जाता कहा जाता था? तो यहाँ पे नाम ध्यान रखिएगा, मलिक सरवर को। इसके अलावा जौनपुर के अटाला मस्जिद और झंझरी मस्जिद का निर्माण यहाँ पर इब्राहिम शाह सरकी ने कराया। तो यहाँ पे स्थापत्य के दृष्टिकोण से पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं, किस प्रकार की मस्जिदों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो यहाँ पे अटाला मस्जिद और झंझरी मस्जिद दोनों का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा कराया गया था। और दोनों कहाँ स्थित हैं? तो जौनपुर में स्थित हैं। इसके अलावा साहित्य, स्थापत्य कला, संगीत कला के लिए जौनपुर के सरकी सुल्तानों का योगदान जो है अद्वितीय रहा है। सरकी के बाद यहाँ पे एक और वंश आपको आता है, लोदी वंश। लोदी वंश देखा जाए तो आगरा नगर की यहाँ पे स्थापना 1504 में यहाँ पे सुल्तान सिकंदर लोदी ने की। तो आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की। सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी यहाँ पे शासन यहाँ पे संभालता है। और सिकंदर लोदी 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में यहाँ पे बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके लोदी वंश को समाप्त किया और साथ ही साथ यहाँ पे मुगल वंश की आपको नींव डालता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सल्तनत काल यहाँ पे समाप्त होता है और सल्तनत काल के बाद यूपी में शुरू हो जाता है मुगल काल की घटनाएं। यहाँ पर कुछ प्रमुख युद्धों के बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उन युद्धों के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जैसे कि एक युद्ध हुआ था मिनांडर का युद्ध, जो कि 185 ईसा पूर्व में हुआ था, और मिनांडर एक यूनानी योद्धा था जिसने मथुरा पर कब्जा किया था, ठीक है। दूसरा होणगुप्त युद्ध, 484 ईस्वी में तेवरमाण और मेहरकुल के नेतृत्व में चीनियों ने मथुरा, कन्नौज और कौशाम्बी पर यहाँ पर हमला किया। अगला युद्ध इसमें है आपका छिंदवार का युद्ध, छिंदवार जिसमें आपको मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था 1194 में, और उसके बाद उसने दिल्ली सल्तनत की यहाँ पर स्थापना की। इसके बाद एक और युद्ध है जौनपुर युद्ध, जो कि 1478 ईस्वी में हुआ, इसमें बहलोल लोदी ने जौनपुर पर कब्जा किया। कन्नौज का युद्ध जो है 1526-27 में बाबर ने लोदियों को हरा करके अवध पर कब्जा किया और मुगल साम्राज्य की यहाँ पर नींव डाली। तो इस तरीके से कुछ प्रमुख जो युद्ध हैं जो कि यूपी से भी रिलेट करते हैं, यूपी के घटनाक्रम से संबंधित हैं, जो कि प्रश्न में पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसे हमने यहाँ पर देखा। एट द लास्ट मुगल काल पढ़ते हैं। मुगल काल के बाद, क्योंकि फिर धीरे से आपका आधुनिक भारत स्टार्ट हो जाएगा, तो मुगल काल की समाप्ति के बाद हम यहाँ पर इसे समाप्त कर देंगे और इसके बाद का जो घटनाक्रम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो मुगल काल की प्रमुख जो घटनाक्रम है यूपी में कौन कौन सी चीजें हैं, देखिए यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, या तो आपके प्रमुख कुछ युद्ध इत्यादि हैं, या फिर आपके प्रमुख जो स्थल हैं, या फिर प्रमुख जो आपके स्थापत्य चीज़ें हैं कहाँ बनवाई गई हैं, वो घटनाक्रम आपके लिए यूपी के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। क्या क्या है? तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाई, पहली चीज। दूसरा, बाबर ने 1529 में महमूद लोदी व नुसरत शाह को घाघरा के तट पर हुए युद्ध में पराजित किया। तीसरा, 1527 में बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराकर यहां पर अवध और कन्नौज पर अधिपत्य स्थापित किया था। साथ ही 26 दिसंबर 1930 को बाबर की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद यहां पर उसका काबुल के निकट आरामबाग में उसको दफना दिया जाता है और उसके बाद बनता है अगला शासक उसका पुत्र हुमायूं। लेकिन हुमायूं बहुत लंबे समय तक शासक नहीं रहता है और शेरशाह सूरी के द्वारा उसे पराजित करके यहां पर अपना शासन सूर्यवंश की स्थापना की जाती है। लेकिन ये भी बहुत लंबे समय तक शासक नहीं रह पाता है, कालिंजर के घेरे के दौरान वहां पर तोप के गोले के फटने के कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। और वापस से एक बार फिर से देखा जाए तो 1555 में हुमायूं जो होता है वो दिल्ली के सिंहासन पर फिर से बैठता है। लेकिन हुमायूं भी बहुत लंबे समय तक नहीं, अगले ही साल 1556 में अपने पुस्तकालय जिसे चेरे मंडल के नाम से जानते हैं वहां से उसकी गिरकर मृत्यु हो जाती है और यहां से शुरू होता है आपका अकबर का शासनकाल। अकबर का जो शासनकाल है अगर देखा जाए तो मुगल काल में देखा जाए तो शांति, समृद्धि, सुदृढ़ प्रशासन, उदारता, हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के मिले जुले स्वरूप इत्यादि को यहाँ पर दर्शाता है। इसके अलावा अकबर के नवरत्न जो कि उसके राजदरबार में थे, उसमें से दो जो नवरत्न थे, एक थे आपके
टोडरमल, और दूसरा यहाँ पर आपके हैं जो टोडरमल थे वो सीतापुर से थे, और बीरबल जो है वो कालपी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अकबर ने 1592-72 में आगरा से 36 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा और शहर बसाया, फतेहपुर सीकरी, और फतेहपुर सीकरी के में एक किले का भी निर्माण कराया। और अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर उसने अपनी राजधानी भी इसे 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी आपकी फतेहपुर सीकरी रहती है। इसके अलावा शाहजहां के द्वारा आगरा में मुमताज महल, जिसे अर्जुमंद बानो बेगम की स्मृति में एक ताजमहल का निर्माण कराया गया। शाहजहां के द्वारा आगरा किले में ही आपको संगमरमर की मोती मस्जिद का भी निर्माण कराया गया। दीवाने खास, दीवाने आम के यहाँ पर निर्माण कराया जाता है। 1579 में अकबर के द्वारा कालिंजर के शासक रामचंद्र को पराजित किया जाता है। इसके अलावा कालपी में यहाँ पर बीरबल का यहाँ पे महल और रंग महल और मुगल कालीन आपको टकसाल के अवशेष मिलते हैं। ये तथ्य ध्यान रखिएगा कि बीरबल का महल और मुगल कालीन टकसाल के अवशेष आपको कहाँ से मिलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, कालपी से आपको प्राप्त हुआ है। इसके अलावा अकबर ने प्रयाग की पुनर्स्थापना कर इसे इलाहाबाद नाम दिया है। ठीक है, तो प्रयाग का जो क्षेत्र है इसकी पुनर्स्थापना का श्रेय यहाँ पर किसे जाता है, अकबर को। साथ ही एक किले का भी निर्माण कराया प्रयाग के किले में। इसके अलावा कौशाम्बी का जो स्तंभ लेख था उसे यहाँ पर वो लेकर आता है और प्रयाग के किले में स्थापित कराता है। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी में अगर देखा जाए तो कुछ प्रमुख आपको स्थापत्य के नमूने बहुत ही विशेष रूप से आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, बुलंद दरवाजा है, जामा मस्जिद है, जोधाबाई का महल है। यहाँ पर अकबर शाहजहां के काल और जहांगीर ये सब शासनकाल अच्छे रहे, लेकिन देखा जाए मुगल साम्राज्य का जो पतन का जो दौर प्रारंभ होता है वो औरंगजेब के शासनकाल से शुरू होता है। औरंगजेब अगर देखा जाए तो इसके शासनकाल की जो नीतियाँ थी वो काफ़ी कठोर रहीं। 1659 में एक युद्ध हुआ, खजुआ का युद्ध, जो फतेहपुर के भी कहते हैं, फतेहपुर में है खजुआ। वहां पर शाह सुजा को पराजित कर उत्तराधिकार के युद्ध में यहां पर निर्णायक सफलता आपको औरंगजेब को मिलती है। 1613 में ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने झांसी की स्थापना की, जिसे 1732 में जैतपुर के युद्ध में झांसी को यहां पर ओरछा के शासक छत्रसाल के द्वारा मराठा शासक को पेशवा बाजीराव प्रथम को सौंप दिया जाता है। औरंगजेब के विरुद्ध यहाँ पर विद्रोह प्रारंभ होते हैं, और विद्रोह का जो श्रेय यहाँ पर है जाट नेता बदन सिंह और सूरजमल को जाता है, जिन्होंने भरतपुर राज्य को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित किया और इसकी राजधानी जो होती है मथुरा को घोषित कर देते हैं। इसके अलावा एक युद्ध हुआ था जो सामूगढ़ के युद्ध से परिचित होंगे आप, 19 मई 1658 को। इसमें देखिए तो दारा के नेतृत्व में शाही सेना की पराजय होती है। औरंगजेब और मुराद यहाँ पर संयुक्त रूप से सेना का नेतृत्व करते हैं। देखा जाए तो इसमें इस युद्ध में औरंगजेब विजयी होता है, दारा सिंह को मारा जाते हैं और शाहजहां को जो होते हैं नजरबंद कर दिया जाता है, और उसके बाद औरंगजेब होता है मुराद को भी यहाँ पर छल करके। औरंगजेब की धार्मिक नीतियाँ बहुत ज्यादा कट्टर हुई और इसके कारण धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन आपका प्रारंभ होता है। मुगल साम्राज्य के कमजोर होने की स्थिति का लाभ उठाकर देखा जाए तो अलग अलग राज्यों की यहाँ पर आपको स्वतंत्रता की घोषणा की जाने लगी। जैसे कि एक था शहादत खां बुरहानुल मुल्क ने 1772 में एक स्वायत्त राज्य की घोषणा यहां पर की जाती है अवध के रूप में। इसके बाद हम यहां पर देखा जाए तो आपको उत्तर मध्यकालीन भारत आपको स्टार्ट हो जाता है, जहां पर धीरे से आपका ब्रिटिश कालीन आपकी स्थितियां भी डेवलप होती हैं और आधुनिक भारत का एक समावेश भी मिलता है। तो ये घटनाक्रम जो होंगे वो हम कल के लेक्चर में आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन जाने से पहले कुछ तथ्यात्मक जानकारी मैं आपको और बता दूं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी हो सकती है उत्तर प्रदेश के इतिहास को लेकर। इसमें देखिए संभल में मुगल बादशाह अकबर ने मस्जिद का यहाँ पर एक निर्माण कराया है। साथ ही सिकंदरा में मुगल बादशाह अकबर ने अपना मकबरा बनवाया था, लेकिन इसे पूर्ण करने का जो श्रेय जाता है वो जहांगीर को जाता है। इसके अलावा पूर्ण कब कराया था, 1613 में। तो सिकंदरा में ध्यान रखिएगा मुगल बादशाह अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में है। आगरा में जहांगीरी महल का जो निर्माण है अकबर के द्वारा कराया गया। आगरा में एतमालुद्दौला का आपका मकबरा है, जिसे नूरजहां बेगम ने बनवाया है। शेरशाह सूरी ने 4 सड़कें बनवाई हैं, ठीक है, कौन कितनी 4 सड़कें बनवाई हैं। पहला है सोनार गांव से होते हुए आपको, सोनार गांव जो कि बंगाल में पड़ता है, से लाहौर तक, जिसे हम जीटी रोड कहते हैं, यूपी से भी गुजरता है। दूसरा आगरा से बुरहानपुर,
तीसरा आगरा से चित्तौड़ और चौथा लाहौर से मुल्तान तक। इसके अलावा संभल में जामे मस्जिद व अयोध्या के बाबरी मस्जिद का जो श्रेय है जिसे निर्माण कराया गया था वो बाबर के द्वारा, और सलीम जिसे हम जहांगीर जो आपके अकबर के पुत्र थे इनका जो जन्म हुआ वो फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम की खानकाह में हुआ था। तो कुछ स्थापत्य के प्रमुख नमूने जो कि आपके परीक्षा के दृष्टि यूपी से संबंधित हैं वो हमने यहाँ पर देख लिए, फैक्चुअलिटीज़ देख ली, कुछ कहानी और घटनाक्रम हमने देखे। ओवरऑल इसके बारे में आप पढ़ते हैं, देखा जाए जब भारत के इतिहास पढ़ते हैं तो ये बहुत ज़्यादा विस्तार है, हो सकता है आपको काफ़ी सारे लेक्चर इसको पूरे करने में लगते हैं, लेकिन हमने कहा था हमें यूपी के बारे में पढ़ना है और सिर्फ यहाँ पर यूपी से संबंधित जो प्रमुख घटनाक्रम है तथ्यात्मक तौर से उससे ही पढ़ना है। यूपी के रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखे जाए तो वन लाइनर आएंगे, इसलिए भी हमें यहाँ पर ज़्यादा फैक्ट पर ही ध्यान रखना था और सभी घटनाक्रमों को कालक्रम से पढ़ना था। तो हमने यहाँ पर स्टार्ट किया उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास से, जिसमें हमने पूरा पाषाण काल पढ़ा, सैंध और वैदिक सभ्यताएँ पढ़ी, उसके बाद महाजनपद काल पढ़ा, फिर हमने बौद्ध जैन ब्राह्मण धर्मों को देखा, मौर्य काल पढ़ा, मौर्योत्तर काल पढ़ा, गुप्त गुप्तोत्तर पढ़ा, शक सुंग पढ़ा, कुषाण गुप्त पुष्यभूति वंशों के बारे में पढ़ा, प्राचीन काल के प्रमुख स्थलों की जानकारी भी हमने यहाँ पर देखी, और उसके बाद फिर हम उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास में हमने गढ़वाल वंश के बाद सल्तनत काल, खिलजी, तुगलक, सरकी, लोधी और उससे संबंधित कुछ प्रमुख युद्धों को देखा। मध्यकाल में इसके बाद मुगल काल में आता है और मुगल काल के प्रमुख घटनाक्रम, स्थापत्य और प्रमुख जो युद्ध हुए हैं उनकी हमने यहाँ पे जानकारी ले ली है, और इस तरीके से आपका उत्तर प्रदेश के इतिहास में हमने प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास पूरा किया। नेक्स्ट लेक्चर में आपको आधुनिक भारत के बारे में हम यहाँ पर यूपी का पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आपको इसका रिविजन कर लीजिए अच्छे से पूरा टॉपिक यहाँ पर जितना भी हमने पढ़ा है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जितना भी आपको टॉपिक है वो आपको पढ़ते चलिए, जितना भी समय मिलता है रिवीजन करते चलिए, और जो पढ़ लिया है उसके लिए भी थोड़ा समय निकालिए कि उसका भी साथ साथ रिवीजन ज़रूर करते चलें। तो आपको जो टारगेट दिया गया है उसे ज़रूर पूरा करते चलिएगा। आज के लिए इतना ही, टॉपिक यहाँ पर जितना आज पढ़ाया गया है यूपी का ये ज़रूर पढ़िएगा। थैंक यू सो मच।